दोस्तों, वेलकम टू इन्फिटेंस। इन्फिटेंस में फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए वुड कटर, जो रेल्फा का है। आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं इसका प्रोडक्ट व्यू दिखाने वाला हूँ। और इसमें रेल्फा का मार्बल कटर 1100 mm है, जो RFMC 5A है, वन पीस है और क्वालिटी टेस्टेड है। डिस्क्रिप्शन आप अराउंड द बॉक्स देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए। बॉक्स को मैं चारों तरफ रोटेट करके दिखा दे रहा हूं और प्रोडक्ट को मैं ओपन करूंगा। एक्चुअली इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, सौरन का उस पर ब्रांडिंग था, बट जब प्रोडक्ट आया तो रेल्फा का था। तो अभी हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसमें आपको दो वुड कटर मिल जाता है, एक को मैंने इसमें इंसर्ट किया है, मैं आगे आपको बता दूंगा। वुड कटर ये मुझे मिला है और इसके साथ दो मार्बल कटर है। इसका प्राइसिंग अप्रॉक्स 1965 के आसपास मैंने परचेस किया था, चार ब्लेड का ऑफ़र था तो मैंने इसको ही परचेस किया। ऐसे मार्केट में ब्लेड जो है थोड़ा कॉस्टली मिलता है तो मुझे प्राइस सेविंग हो गया। ये जो प्रोडक्ट है पता नहीं, आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताएँ। और सारे प्रोडक्ट को मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ। ये आपका यूजर मैनुअल है, बॉक्स को साइड कर लेते हैं। ये यूजर मैनुअल में आप देख सकते हैं रेल्फा का प्रोफेशनल टूल का RFMC SA है और डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, तो यूजर मैनुअल आप देख लीजिएगा। इसको साइड कर लेते हैं। अब दो इसमें मिल जाते हैं मुझे स्क्रू ड्राइवर और एक, पता नहीं ये क्या है, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। और दो मार्बल कटर है, दो वुड कटर हैं। अब मैं प्रोडक्ट को आपको दिखा देता हूँ। ये मार्बल कटर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, इसमें ऑलरेडी प्लेट लगा होता है। अराउंड द व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ किस टाइप का ये है। इस पर देखिए सौरन का स्टिकर लगाया हुआ है। मैंने जैसा आपको बताया फ्लिपकार्ट पे सौरन के नाम से ही सेल हो रहा है, बट मैंने इसको परचेस किया तो रेल्फा का था मॉडल। और इसमें दिख रहा है कॉपर का वाइंडिंग किया हुआ है। ये दो पॉइंट है जहाँ पे आपका लगता है वो प्लग, दो प्लग, ये जो प्लग है। अब इसका यूज़ नहीं मुझे पता, इसको ओपन करके आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं यदि ख़राब होता है तो। यदि आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि उसका क्या यूज है। मैं इसको जब परचेस किया था, अनबॉक्सिंग किया था, तो इसमें ब्लेड लगा दिया था। ये जो है अप एंड डाउन करने का है, अपने सेटिंग के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू से आप टाइट कर लें, ये टाइट हो जाएगा। और ब्लेड को खोलने के लिए या फिर लगाने के लिए आपको दो स्क्रू ड्राइवर हैं। ये मैं बता देता हूँ कैसे आपको ओपन करना है। बड़ा जो होल है वो आपको नीचे रखना होगा, छोटा होल को ऊपर रखना होगा और इसको रोटेट करेंगे तो ब्लेड ओपन, ब्लेड नहीं, जो ऊपर का जो जो नट है वो बाहर आ जाएगा। फिर उसको ब्लेड को आप इंसर्ट कर दें। इसके ऊपर ब्लेड का डायरेक्शन भी दिया हुआ है। और ये जो मैं आप लोगों से पूछा था ये क्या है, आप लोग बताइएगा, मुझे तो पता नहीं चल रहा है इसको कैसे एडजस्ट इसमें करते हैं, किस पर्पज़ से है ये, तो प्लीज़ कमेंट में आप इसको ज़रूर बताइएगा। तो थ्रू आउट ये हमारा वुड कटर मार्बल कटर है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये वायर है, वायर को मैंने अपने हाथ से एक बीता से काउंट कर लिया था। इसमें आप देख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कितना बड़ा, लगभग 1.5-2 मीटर का वायर है। और थ्रू आउट ये रहा हमारा प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।